क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, जब मैं आज के समाचार पर मनन चिंतन कर रहा था तो बहुत बड़ी उलझन में आ गया था, क्योंकि आज का समाचार पिछले कुछ सप्ताहों के पाठों का पुनर्ग्रहण है। इसलिए मैंने त्रियक ईश्वर से प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से मध्यस्थता की और मुझे ईश्वर से यह प्रेरणा मिली कि मैं पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु येसु क्रिस्त की वास्तविक उपस्थिति पर अपना मनन चिंतन करूं। यह साल की शुरुआत में जब मैं शहर का भ्रमण कर रहा था, तब मेरा मुठभेड़ एक सज्जन और वयस्क व्यक्ति से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसाई धर्म के लोगों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि वे बहुत कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं, परोपकारी और हितकारी हैं, जबकि आप लोगों की पूजन पद्धति से मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि आप लोग सुबह सुबह लोगों को रोटी और दारू देते हैं। मैं कुछ क्षण मौन रहा, क्योंकि मैं असमंजस्य में पड़ा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे ये ख्याल आया, शायद आप लोग भी ऐसे कुछ सोचते होंगे और मतभेद रखते होंगे। फिर मैंने उनसे कहा, दादाजी आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि गेहूं की रोटी और दाखरस पुरोहित के हस्तारोपण द्वारा प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। ईसा मसीह के शरीर और रक्त जो पुरोहित के हस्तारोपण द्वारा ईसा मसीह के शरीर के रक्त में बदले हुए हैं, वे स्थायी रूप से ईसा मसीह के शरीर और रक्त में रहते हैं। इतना ही नहीं, ईसाई कानून के मुताबिक दाखरस भ्रष्ट ना हो, प्राकृतिक रूप से अंगूर से बनाया गया हो तथा मादक वस्तु में ना मात्र होना भी अनिवार्य है। अर्थात दाखरस और दारू में जमीन आसमान का फर्क है। हम जब पुराने विधान में पढ़ते हैं, दाखरस या अंगूरी शब्द का प्रयोग चार अलग अलग दृष्टिकोण से प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। पहले है पड़ोसी के प्रति प्रेम और भाईचारे का प्रतीक, दूसरा है ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक, तीसरा है ईश्वरीय सत्य का प्रतीक या ईसा मसीह का प्रतीक, चौथा है दुष्टता और बेईमानी का प्रतीक। और आप लोग शायद यह जानते होंगे कि पूरे बाइबल में अंगूरी या दाखरस शब्द का प्रयोग 212 बार किया गया है। ठीक उसी प्रकार रोटी या भोजन शब्द का प्रयोग चार अलग अलग मतलब से या प्रतीकात्मकता से किया गया है। पहला है सभी प्रकार के भोजन या खाने के वस्तुओं के प्रतीक, दूसरा है स्वर्गीय भोजन के प्रतीक, तीसरा है स्वयं प्रभु ईसा मसीह के प्रतीक और चौथा है प्रेम और दया से भरे क्रियाकलापों के प्रतीक। जब हम पुराने विधान में पढ़ते हैं कि रोटी और भोजन शब्द का इस्तेमाल 330 बार अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया है। जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु ईसा मसीह स्वयं हमसे कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी हूँ, अगर तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु ईसा मसीह ने यह कथन पास्का पाव के दिन क्रिस्तिया की स्थापना करते हुए पूरा किया। अतः उन्होंने अपने शरीर और रक्त को कालवारी पर हम मनुष्यों के पापों की मोचन के लिए फिरौती के रूप में दिए। हमारे पूर्वजों ने मन्ना ग्रहण की और वे मर गए।
जबकि हम परम प्रसाद में अनश्वर ईश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर हम ईसाई धर्म के इतिहास पर एक नजर डालें तो हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में ही अमर हो गए हैं, जैसे कि कलकत्ता के मदर तेरेसा और संत अल्फोंसा। वे पवित्र परम प्रसाद में वास्तविक रूप से उपस्थित प्रभु ईसा मसीह को अनुभव किया और लोगों के बीच में उनका प्यार को बांटा। जब हम पवित्र परम प्रसाद में ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं तथा यह विश्वास करते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु स्वयं याजक एवं बलि वस्तु बनकर मामूली सी रोटी के टुकड़े में अपने को शून्य बनाकर अपना विश्व रूप को समाया है, इस विनम्रता के प्रतीक के रूप में वे पवित्र परम प्रसाद में सदा और हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। जैसे कि भारतीय दार्शनिककार श्री अरविंद घोष कहते हैं, कण कण में भगवान है। अगर हम मामूली सी रोटी में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह को देख सकते हैं तो हम भी संत बन सकते हैं और इतिहास के पन्नों पर अमर हो सकते हैं। जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं या पान करते हैं तब उस जीवित प्रभु को अर्थात जीवंत रोटी को ग्रहण करते हैं और हम उनके वाहक बन जाते हैं। क्या हम उनके वाहक बनने लायक हैं या सक्षम हैं? जब हम ईसा मसीह को आयोग रीति से स्वीकार करते हैं तब हम उनका अनादर करते हैं और शैतान को अपना घोंसला बनाने के लिए सुयोग्य वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 10 में हम पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने और नष्ट करने आता है, जबकि हमारे प्रभु ईसा मसीह परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। आइए हम अपने अंतरतम को जांचें और टटोल कर देखें कि हम कैसे प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने जा रहे हैं। कहीं शैतान हमें अपने जाल में फंसाकर हमारी आध्यात्मिक मृत्यु के कारण बनकर अपने अंतरतम को शैतान का घोंसला बनाया है, या जीवन प्रभु के वाहक बनकर पूरे शहर में प्रभु ईसा मसीह का प्रेम और भाईचारा का पैगाम फैलाने जा रहे हैं या नहीं?